नमस्कार, कीर्तिज किचन केमिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज बनाते हैं एकले सूजी चॉकलेट केक। बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पंजी है। घर में जो आसानी से जो सामान मिल जाते हैं वही सामान यूज करके ये एकलेस केक हम बनाएंगे। जरूर ट्राई कीजिए। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल कीर्तिज किचन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना एकलेस सूजी चॉकलेट केक। क्या क्या सामान लगेगा सबसे पहले वो बता देती हूँ। ये है मेजरिंग कप 250 ml वाला। इसी कप में एक कप सूजी, आधा कप चीनी, आधा कप मिल्क, आधा कप दही फ्रेश कर्ड, 1/4 कप ऑयल, 1/4 कप कोकोआ पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर एंड ए पिंच ऑफ सॉल्ट। थोड़ा डस्ट के लिए आटा ले रही हूँ, आप मैदा भी ले सकते हैं। कोई भी चॉकलेट स्प्रेड आप ले लीजिए, मेरे पास ये न्यूट्रेला है तो मैं ये यूज करूँगी आइसिंग के लिए, आइसिंग यानी डेकोरेशन के लिए। कुछ कलरफुल शुगर बॉल्स कुछ भी आपके पास है, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। 6 inch का केक टिन में यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भी स्टील के बाउल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम केक बैटर रेडी करेंगे। मैं एक ब्लेंडर जार ले रही हूँ, ब्लेंडर में हम बैटर बनाएंगे। इसमें लेंगे 1 cup सूजी। सूजी मोटा हो या पतला ग्राइंड करना जरूरी है। इस सूजी को अब ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने सूजी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, एकदम फाइन। इसी तरह फाइन पीस लीजिए। अब हम इसमें 1/2 cup चीनी मिलाएंगे। इसी ब्लेंडर में 1/2 cup चीनी मिलाइए। इसके बाद 1/4 cup कोको पाउडर, फिर इसमें 1/2 cup फ्रेश दही लीजिए। दही फ्रेश लीजिए, खट्टा दही मत यूज कीजिए। इसके बाद 1/4 cup रिफाइंड ऑयल लेंगे। अब इसमें 1/2 cup दूध डालेंगे। सारी चीज़ों को मिलाएंगे। रिफाइंड ऑयल के बदले आप बटर या घी ले सकते हैं। अब इसको हम 30 से 40 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा नमक भी डाल देते हैं, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। देखिए स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। अभी इसको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्योंकि ये सूजी का बैटर है इसे थोड़ी देर के लिए फूलने देना ज़रूरी है। इसी तरह का कंसिस्टेंसी है। अभी इस बैटर को कम से कम 1/2 घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इसी बीच केक टिन को रेडी कर लेते हैं। 6 inch का केक टिन लिया है। तेल लगाकर अच्छे से ग्रीस करेंगे। इसमें थोड़ा आटा छिड़क के चारों तरफ से फैला लेंगे। ये करने से बेक होने के बाद केक अच्छे से डीमोल्ड हो जाता है बिना बटर पेपर का भी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यूज कीजिए। इसी बीच हम एक प्रेशर कुकर को प्रीहीट कर लेते हैं। पहले इसमें नमक स्प्रेड कर लेते हैं। ये नमक मैंने पहले भी यूज किया है इसलिए कलर थोड़ा खराब हो गया है। आप भी इसी नमक को ठंडा करके स्टोर कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े पैक करें। इसमें एक स्टैंड नहीं तो एक बाउल रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। गैस्केट और व्हिसिल निकाल देंगे। इसको प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हीट करेंगे। 1 घंटे के बाद केक बैटर थोड़ा ठीक हो चुका है, सूजी फूल चुकी है। बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा और दूध मिलाएंगे। इसमें दूध मिला के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरे चैनल में मैं पहले भी बहुत सारे एगलेस केक की रेसिपी अपलोड की हुई है। डिस्क्रिप्शन पे सारे केक रेसिपीज की लिंक दे दी है। आप चाहें तो लिंक पे क्लिक करके सारे एगलेस केक की रेसिपी देख सकते हैं। अभी ये परफेक्ट है कंसिस्टेंसी। अब इसमें 1 teaspoon बेकिंग पाउडर डालेंगे। सूजी केक में हमेशा बेकिंग पाउडर हो या इनो जो भी ऐड करें लास्ट में ही ऐड करें। धीरे धीरे हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि जो एयर है वो निकल ना जाए। अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा मिक्स ना करें,
अब इमीडिएटली इसे ग्रीज किया हुआ केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। 3-4 बार टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। अभी इसको हम जो प्री हीटेड प्रेशर कुकर है इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान से डालिए, बहुत गर्म है प्रेशर कुकर। आप चाहें तो ओवन पे भी बेक कर सकते हैं। प्री हीटेड ओवन पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 35 मिनट तक बेक कीजिए। अभी इसको हम ध्यान से रखेंगे, कवर करके 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। ध्यान से आप गैस्केट और व्हिसिल निकाल दीजिए। और स्लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, अभी हम केक को चेक करेंगे। कोई भी आप नाइफ नहीं तो टूथपिक लेके बीच में डालिए, ऐसे बीच में डालिए। देखिए अभी ये बैटर लगा है, इसका मतलब केक रेडी नहीं है। अभी इसको 5 मिनट और बेक करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे, अभी ये क्लियर आ रहा है, मतलब केक हमारा बेक हो चुका है। अब इसे ध्यान से निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। ये जो केक के ऊपर क्रैक्स हैं इससे कोई बात नहीं है, कभी कभी कुकर ज़्यादा गर्म होने से ऊपर का लेयर जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसे हम फिक्स कर लेंगे जब हम डेकोरेशन करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, अभी ठंडा हो चुका है, इसको डीमोल्ड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से डीमोल्ड हो गया है बिना बटर पेपर का भी, और केक हमारा बहुत अच्छे से बना है, बहुत स्पंजी है, सॉफ्ट है और मॉइस्ट भी है। हमारा सूजी चॉकलेट केक एकदम रेडी है। आप चाहे तो इसी तरह काट के खा सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। आपके पास कोई भी चॉकलेट स्प्रेड होगा तो आप उसको ले लीजिए और उसी से जो ऊपर का हिस्सा है केक का उसे स्प्रेड कर दीजिए। मेरे पास न्यूट्रेला था तो इसी से मैं ये जो क्रैक्स है उसे फिक्स कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आपके पास अगर कोई भी चॉकलेट स्प्रेड नहीं है तो आप कुछ भी चॉकलेट ले लीजिए और उसको मेल्ट कर दीजिए, और उसको उसके बाद वो मेल्टेड चॉकलेट को इसी तरह केक के ऊपर स्प्रेड करके डेकोरेट कीजिए। बहुत सिंपल और इजी तरीका है, घर पे ही जो सामान है उसी से हम ये केक बना सकते हैं आराम से। बहुत अच्छे से बनता है ये, हेल्दी भी है, ना मैदा यूज हुआ है ना क्रीम यूज हुआ है। तब आप इसी तरह बनाइए। मेरे पास जो कलरफुल स्प्रिंकलर से मैं थोड़ा उससे डेकोरेट कर रही हूँ, आपके पास अगर है तो यूज़ कीजिए, नहीं है तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए और उसको चॉप करके, नहीं तो टूटी फ्रूटी भी आप यूज कर सकते हैं। इतना सुंदर दिख रहा है ना, अभी इसी तरह आप भी बनाइए। अभी मैं काट के भी दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। केक कटिंग से ही आपको पता चल गया होगा कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पंजी हमारा केक बना है। ये देखिए कितना अच्छे से बना है, बहुत ही स्पंजी है और बहुत डिलीशियस भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल कीर्तिज किचन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।